good morning dear student as we have learned in our last video the preparation of lyophobic collides as you know that lyophobic collides are liquid heating collides or liquid repelling so, uh, collidal soles so they cannot be prepared by normal methods or general methods so we have to use some special method for their preparation and we will use two type of method one is condensation in which

इसमें हमने ऑक्सीडेशन मेथड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस डबल डिकम्पोजिशन ऑल दिस मेथड आर आल्सो कम अंडर द केमिकल प्रोसेस एंड इन डिस्पर्सन मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ब्रेडिट आर्क मेथड दैट इज इलेक्ट्रो डिस ये जो ब्रेडिट आर्क मेथड है इलेक्ट्रो डिस है बेसिकली यूज होता है वेन वी नीड द सोल ऑफ मेटल्स मेटल्स का अगर आपको सोल अगर चाहिए गोल्ड का चाहिए सिल्वर का चाहिए वी यूज दिस आर्क मेथड फॉर विच हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे फॉर द मेटल जिसका हमें सोल्यूशन बनाना है एंड वी कैप्टिन इन टू बीकर एंड बीकर और एनी कंटेनर एंड इट इज फिल्ड विद मीडियम क्लियर वैन हाई इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज जनरेटेड बिटवीन दैम और ये जो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा ये मेटल को वेपराइज कर देगा और मेटल को वेपराइज कर देगा तो वो सोलूशन में नहीं आ पाएंगे सो वी हैव आइस आइस बाथ बाथ ये क्या करेगा उस मेटल मेटल पार्टिकल को कंडेंस कर देगा और वो कंडेंस करके वापस इस सोल्यूशन में आ जाएंगे एंड पार्टिकल विल बी ऑफ कोलाइडल रेंज वी गेट द सोल्यूशन दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन क्लियर सो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन नाम से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पेप्टाइजेशन मींस प्रेसिपिटेशन आप पढ़ते हैं ना तो पेप्टाइजेशन को लिंक करिएगा प्रेसिपिटेशन से प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन मैंने आपको कहा था कि वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्जन मेथड मीन बड़े साइज के पार्टिकल को हम छोटे size, range के पार्टिकल में convert कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे precipitate. Precipitate के particle size जो है वो होता है वो ज़्यादा होता और उसमें हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे क्या होगा एडजॉर्बन हो जाएगा उसके सरफेस पे वो साइज उसका और ज्यादा बड़ा हो जाएगा जिससे कि वो अल्टीमेटली छोटे साइज के पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा और वो जो छोटे साइज का पार्टिकल होगा दिस पार्टिकल इज इन कोलाइडल रेंज देअर फोर वी विल गेट द कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन पेप्टाइजिंग एजेंट ठीक है तो ये जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं ये बेसिकली जाता ये ये है इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि आपने पीपीटी बना के रख दिया आधा घंटा एक घंटा पहले या बहुत दिनों से रखा हुआ है तो इसमें आपको जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होगा उसका अगर आपको कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है देन यू कैन यूज एनी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट शेक करेंगे उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट के साथ और शेक करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दट इज कोलाइडल सॉल्यूशन ठीक है और रीजन ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एड्सॉर्व वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें क्या करेगा पीपीटी जो है पीपीटी के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने सरफेस पे इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी एक आयन इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत आयन होते हैं कोई भी एक आयन अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा और जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पे और so, ये आपकी हो में बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखा है एफ एच होल सोलूशन इज फाउंड फ्रॉम एफल थ्री बिल्कुल यही क्वेश्चन रिवर्स में भी आता है आगे हम पढ़ेंगे तो अगर पीपीटी से कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो पेप्टाइजेशन ठीक है पीपीटी से कोलाइडल सोल्यूशन दैट इज पेप्टाइजेशन ध्यान रखेंगे इसको ठीक तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन जो है वो खत्म हो गई है अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया है नाउ वी विल डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करना है किस तरीके से हम करेंगे बेसिक जो प्रोसेस यूज होती है वो है डायलाइसिस और दूसरी टेक्निक डायलिसिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन ये आपके कोर्स में नहीं है अल्ट्रा अल्ट्रासन ज्यादा थोड़ा बहुत है तो इसको वन बाय वन हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम आते हैं डायलिसिस पे ठीक तो इस पूरे को डिस्कस करने से पहले मैं डायलिसिस आपको अलग से डिस्कस करती हूँ पहले डायलिसिस क्या है इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन बाई मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सुटेबल मेम्ब्रेन डायलिसिस बेसिकली क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने की प्रोसेस कोलाइडल सॉल्यूशन में जितनी भी इम्प्योरिटी हैं वो किसी भी एक सुटेबल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस जो कुछ ही पार्टिकल को अलाउ करे पास होना बाकी को नहीं हमने पहले भी पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में तो बिल्कुल उसी तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उस वो पार्टिकल को स्मॉल साइज पार्टिकल को जो है पास होने देती है ये देखिए सिंस पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो वो इजीली मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल द मेम्ब्रेन कैन बी यूज फॉर डायलिसिस ऐसी उसको हम क्या कर सकते हैं डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं ठीक अ बैग ऑफ सुटेबल मेमब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड इन ए वेल थ्रू विच फ्रेश वॉटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग और उसमें से फ्रेश वाटर में उसको डिप कर देते हैं द मोलिक्यूल एंड आयन डिफ्यूज थ्रू मेमब्रेन इन टू द आउटर वॉटर एंड प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड ठीक अब आते हैं इस वाले फिगर में ये देखिए ये वैसे इलेक्ट्रोडिस का है एक कंटेनर हमने लिया इसमें ठीक इसमें हमने वाटर फिल कर दिया और एक यहाँ पे बैग ले लिया जिसमें की पार्चमेंट पेपर हो सकता है एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है और इसमें हमने कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया ठीक कोलाइडल सोल्यूशन में जितनी भी इम्प्योरिटी है ट्रू सोल्यूशन की वो सारे के सारे जो हैं वो क्योंकि कोलाइडल तो इससे बाहर नहीं जाएंगे ट्रू सॉल्यूशन बाहर चले जाएंगे तो इसमें जैसे ही जब हम इसको कंटिन्यूसली वाटर फ्लोइंग में इसको पास कराएंगे तो इसमें से जितने भी ट्रू सॉल्यूशन के आयंस हैं वो बाहर आ जाएंगे और इस बैग में जो है प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाएगा और इसका बहुत कॉमन और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ब्लड का डायलिसिस आपने सुना होगा कि जो हमारी किडनी है हमारी बॉडी में किडनी वर्क एज ए डाय डायजर वो किस चीज का काम करती है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है जब हमारी बॉडी में किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो ब्लड का प्योरीफिकेशन बंद हो जाता है बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जिस तरीके से किडनी वर्क कर रही है बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिफिशियल डायलिसिस किया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के उसको एक बिल्कुल उसी तरीके के फिल्टर से पास कराते हैं डायलाइजर से जिससे कि उसमें से इम्प्योरिटी बाहर निकल जाए और प्योर ब्लड जो है वो दोबारा से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है तो डायलाइसिस का बेसिकली मेन पर्पस क्या है कोलाइडो सोल्यूशन को प्रिपेयर करना ठीक अब इसमें देखो दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोडायलिसिस ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो होती है जो अगर नॉर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है तो उसको फास्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव उससे क्या होगा जो ट्रू सॉल्यूशन के आयंस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और प्रोसेस फास्ट हो जाएगा ठीक है तो डायलिसिस की प्रोसेस को एक्सिलेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो ठीक? नेक्स्ट आपका आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा मीन्स मोर फाइंड जैसे आप लैब में यूज करते हैं फिल्टर पेपर उससे आप फिल्टर कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट को अब हम यहाँ पे क्या करते हैं एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर लेते हैं जिसका पार्टिकल साइज जो है वो काफ़ी कम होता है उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल ही पास हो सकते हैं यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर कोलेडियन कोलेडियन क्या है जिलेटिन की लेयर होती है उसको हार्ड करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से तो आप लैब में देखना कुछ आपको दो तरीके के एक तो सिंपल फिल्टर पेपर आपको दिखाई देता है या कोई भी पेपर जो है वो सिंपल फिल्टर पेपर की तरह काम कर सकता है दूसरा आता है कि स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसमें ऊपर भी एक लेयर लगी होती है जिलेटिन की नीचे भी लेयर लगी होती है जिससे कि उसका पार्टिकल साइज जो है वो छोटा हो जाता है और उसमें से सारे पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते एक पर्टिकुलर रेंज के पार्टिकल ही उसमें से बाहर निकल सकते हैं ये भी हम यूज करते हैं फॉर इम्प्योरिटी सेपरेशन ठीक है तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स आप कंप्लीट करेंगे इसके नोट्स बनाएंगे एनसीआरटी में बहुत लिमिटेड दिया हुआ है एनसीआरटी को आप पूरा का पूरा उसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको उसमें से कर सकते हैं ठीक है थैंक यू